नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सीजन के तारापुर आदिनाथ शिक्षा भंडार में श्रद्धा व मर्यादा के साथ संस्थान की ओर से एक नागरिक सभा आयोजित कर समाज के कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में अमल कांतिनाथ, सभापति श्री सुशीम चंद्रनाथ, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद नाथ, कार्यकारी सभापति श्री पिनाक पानी नाथ, सह सभापति श्री विश्वदेव नाथ मौजूद थे। सभापति जोगी समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा गोरखनाथ जोगत सेवाश्रम के हस्ती श्री विजयनाथ, श्री रोहिताक्षनाथ तथा उपदेष्टा श्रीमती बीना पानीनाथ, विभूति भूषण नाथ भी मौजूद थे। कार्यक्रम के पहले चरण में स्वागत भाषण, प्रदीप प्रज्वलन, झंडा फहराने के साथ साथ कई और कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाद में इस कार्यक्रम के संचालन में विप्लव देवनाथ के जरिए कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि अतिथिवरण कार्यक्रम में सभापति मलय कुमार नाथ, मुख्य अतिथि सुशीम चंद्रनाथ, कार्यकारी सभापति रोहिताक्षनाथ, सह सभापति विप्लव देवनाथ, योगासन समिति के तथा जोग सम्मेलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमल कांति नाथ को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सभापति गोरखनाथ सेवाश्रम के अनुप कुमार नाथ को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आर्थिक अनुदान दिए जाने के साथ साथ कीर्तिमान छात्र छात्राओं को संवर्धना प्रदान किए जाने पर समाज में शिक्षा के विकास और भी बेहतरीन होने की लोगों ने उम्मीद जताई। इस दिन के कार्यक्रम में वक्ताओं ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं को आगे बढ़कर समाज व देश व जाति के नाम रोशन किए जाने के लिए लोगों को तथा छात्र छात्राओं को उत्साहित भी किए। गौरवान्वित मन कर स्वजाति एतजन प्रीति छात्र छात्री के संवर्धना जानाते तर मध्य व्यक्तिक्रमी एक व्यक्तित्व के आज के संवर्धना जानिए परम सौभाग्य मानते हैं। दीर्घ प्राय 40 बचर धरे उन्नी डाक्टर हार पर अरुणाचल प्रदेश मानव অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের জাতি এখনো শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাৎপদ রয়ে গেছে। এই শিক্ষা দীক্ষা ছাড়াও আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের জাতি অনেক পিছিয়ে আছে। আপনারা জানেন শিক্ষা এবং অর্থ অতপ্রোতভাবে জড়িত, অর্থ ছাড়া শিক্ষা হয় না। সুতরাং আমাদের জাতি এই জন্য অনেক পিছিয়ে আছে এখনো অন্যান্য জাতির তুলনায়। যখন এই আদিনাথ শিক্ষা ভাণ্ডার স্থাপিত হয় তখন আমাদের সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। তখন কোনো অফিস আদালতে গেলে আমাদের স্বজাতীয় কাউকে কদাচিত দেখা যেত। এখন অবশ্যই সেটা অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে।